दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज। क्रिकेट का महासंग्राम आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में यूएई में होगी, जिसकी अनाउंसमेंट बीसीसीआई ने कर दी है। दोस्तों इस अनाउंसमेंट के बाद से ही आईपीएल 2020 से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आज भी आईपीएल से जुड़ी 5 बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कि आईपीएल के शेड्यूल से रिलेटेड और उसके स्पॉन्सर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2020 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर है आईपीएल 2020 के शेड्यूल से रिलेटेड। तो दोस्तों कल ऐसा कहा जा रहा था कि कल बीसीसीआई आईपीएल 2020 का शेड्यूल यानी 5 अगस्त को रिलीज कर देगी, पर दोस्तों बीसीसीआई की कल एक बैठक हुई थी जिसमें कि आईपीएल 2020 के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और सभी अधिकारियों ने अपनी राय भी दी, और आईपीएल 2020 का शेड्यूल हमें आज यानी 6 अगस्त को शाम को आता हुआ दिखाई देने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की पहली बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के लिए। तो दोस्तों वीवो इस बार आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर नहीं ले रहा है, तो इसलिए कई कंपनियां आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की होड़ में लग गई हैं, जिसमें कि जियो, टाटा और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां भी अब कतार में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों जल्दी आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर भी अनाउंस होता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की तीसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों खिलाड़ियों के साथ उनकी फैमिली भी यूएई में जाएगी कि नहीं, इस पर भी काफ़ी विवाद चल रहा था। तो दोस्तों बीसीसीआई ने इस पर फाइनली रिप्लाई दे दिया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नी और गर्लफ्रेंड को यूएई में ले जाने का फैसला फ्रेंचाइजियों पर छोड़ दिया है। हालांकि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि सभी टीमों के साथ जो परिवार का जो सदस्य यूएई में जाएगा उसे बायोसिक्योर प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। किसी भी सदस्य को बायोसिक्योर वातावरण के बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सभी लोगों को यूएई में हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की तीसरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की चौथी बड़ी खबर की, तो दोस्तों यूएई में खिलाड़ियों को रिजॉर्ट में रखना चाहती है फ्रेंचाइजी। मुंबई इंडियंस को अपार्टमेंट की है तलाश। दोस्तों खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ को 5-स्टार होटल के बजाय रिजॉर्ट में रखने का विचार कर रही है फ्रेंचाइजी। कुछ खिलाड़ियों ने भीड़भाड़ वाले 5-सितारा होटलों में रहने पर नाखुशी जाहिर की है। सूत्रों की मान तो मुंबई इंडियंस टीम पूरे अपार्टमेंट को किराए पर लेने का विचार कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की चौथी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की आखिरी और पांचवी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है अजिंक्य रहाणे की तरफ से। तो दोस्तों भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया के माध्यम से आईपीएल के 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल से खेलने की संभावना पर खुशी जाहिर की है। रहाणे पिछले साल नवंबर में राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल्स में आए थे। तो दोस्तों ये थी आज की 5 बड़ी खबरें जो कि आईपीएल से जुड़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।